Hello, bacho. Let's see this question in cockroach. Blood from A enters the heart through B and pumped anteriorly to C again. Choose the option which correctly fills up the blanks. तो यहाँ पर जब हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं ना कॉकरोच में, तो कैसा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है? ओपन टाइप. ठीक है, ओपन टाइप है. ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू स्पेसेस, जिसको हीमोसील कह देते हैं. विस्ट्रल ऑर्गन जो हीमोसील में होते हैं उनको कौन बात कर रहे हैं? जहाँ जो हीमोसील के अंदर हीमोलिम्फ है, ब्लड है, वो बात कर रहा होता है. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हार्ट की, कॉकरोच में हार्ट कैसा होता है? तो इलॉन्गेटेड मस्क्यूलर ट्यूब होता है, मस्क्यूलर ट्यूब लाइंग अलोंग मिड डॉर्सल लाइन, मिड डॉर्सल लाइन ऑफ द थोरेक्स एंड एब्डोमेन, और डिफरेंशिएट होता है इनटू फनल शेप चैम्बर्स. ठीक है, फनल शेप चैम्बर्स में डिफरेंशिएट होता है, फनल शेप्ड चैम्बर्स विद ऑस्टियन आइदर साइड. दोनों साइड पर क्या मिलते हैं? ऑस्टिया मिलते हैं. ठीक है, फनल शेप चैम्बर्स हैं और जिसमें दोनों साइड पे क्या मिल रहा है? ऑस्टिया मिल रहा है. अब ब्लड जो होता है ना, ब्लड साइनसिस से एंटर करता है हार्ट में. साइनसिस से कहाँ एंटर कर रहा है? हार्ट में. ओके, हार्ट, और हार्ट में भी कैसे कर रहा है? ब्लड फ्रॉम साइनसिस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया. तो ऑस्टिया हम लिख देते हैं यहाँ, ऑस्टिया से होते हुए किस में जा रहा है? हार्ट में. ओके, अब ब्लड पंप होता है एंटीरियरली टू साइनसिस अगेन. ओके, तो यहां पर आप क्या देखते हैं? ब्लड फ्रॉम साइनसिस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इज पंप्ड एंटीरियरली टू साइनसिस अगेन. तो यहां पर क्या आ जाएगा? इन कॉकरोच ब्लड फ्रॉम साइनस यहां पर दिया है, यहां एओर्टा दे दिया, यहां एंटीरियर एओर्टा, तो दोनों ही इनकरेक्ट हो जाते हैं. एलआरए मसल इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑस्टिया में जाता है, ऑस्टिया के बाद कहां जाएगा? वापस से साइनस में. तो करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन डी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 113 पर गिवन है. थैंक यू.